अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुफरान बिन याकूब कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है और ये खबर आसाम से आ रही है, जिसका ताल्लुक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की ज़ात से है। क्या है पूरा मामला, मैं आप हजरात को बतलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल बाग मदीना पर पहली मर्तबा आए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। आसाम कांग्रेस ने आज AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। उन पर पार्टी के खिलाफ तोहिनामेज तबसरा करने का इल्जाम है। गुज़िश्ता हफ्ता रियासती कांग्रेस ने गुवाहाटी में 11 जमातों का एक इजलास मुनक्किद किया था। तमाम जमातों से अपील की गई थी कि वो 2024 के आम इंतखाबात में BJP को इकतदार से महरूम करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। AIUDF को इस मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया था, उनको बुलाया नहीं गया था। आसाम कांग्रेस के लीडर मोनूजेत महंता ने पुलिस से की गई शिकायत में दावा किया कि धबरी के रुकन पार्लियामेंट के तबसरा से कांग्रेस पार्टी की तोहीन हुई है। नाजरीन, इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारा चैनल बाग मदीना को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।